गणेश उत्सव एक ऐसा उत्सव जिसकी प्रतीक्षा भगवान गणेश के भक्तों को पूरे साल रहती है। और जब ये उत्सव आता है तो भगवान गणेश को बड़े ही धूमधाम के साथ ढोल नगाड़ों के साथ पटाखों के साथ घर लाया जाता है। मैं भी हमेशा की तरह इस उत्सव में इस बार शामिल हुआ और मैंने सोचा कि क्यों ना इस 11 दिन की यात्रा पर आपको भी अपने साथ शामिल किया जाए। तो चलिए आपको दिखाते हैं ये 11 दिन का उत्सव, ये गणेश महोत्सव कैसा होता है। And we are all set for Ganpati Bappa. So this Ganpati is special because Neha जो है वो पहली बार लोगों के यहाँ गणपति दर्शन के लिए जा रही है, जो मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं। How are you feeling? Excited देखने के लिए। मैं पहली बार देखूंगी ना। 1.5 डे से लेकर 21 डेज तक ये त्योहार मनाया जाता है और आज हम जा रहे हैं 1.5 दिन वाले गणपति के दर्शन के लिए। अंधेरी में आए हैं हम इंदिरा जी के यहाँ पर, जिनके यहाँ मैं 8 साल से जा रहा हूँ। हेलो हेलो हाय 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 हाय। आप बताओ क्या क्या करना है उसको। जयपुर से स्पेशल मस्त जिंदगी। डायरेक्टर साहब, भगवान आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो सुंदर गणपति दर्शन के अलावा जो इस दिन की सबसे खास बात होती है कि आप अपने दोस्तों से एक एक डेढ़ डेढ़ साल के बाद मिल रहे होते हो। कई ऐसे लोग जिनसे आप बहुत सालों से नहीं मिले, उनसे आपकी मुलाकात होती है और बैठकर बहुत सारी बातें होती है और साथ ही होता है अच्छा सा खाना और बहुत सारा प्यार। तो देर रात तक भी लोग आते हैं क्योंकि 1.5 दिन के गणपति में विसर्जन अगले दिन ही हो जाता है। अभी जाना है एक और घर। यहाँ पे वैसे हर एक बिल्डिंग में एक गणपति रखा जाता है। ये भी एक गणपति रखे हुए हैं। सो ये है सोसाइटी और हर एक सोसाइटी में ऐसे बैठते हैं गणपति। मुंबई में सबसे बढ़िया चीज़ मुझे लगती है कि ये सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं, ये आपको ज़्यादा सेफ बना देते हैं। सो भैया ये था 1 गणपति का, अभी बहुत सारे गणपति बाकी हैं। सो 1.5 दिन के गणपति के विसर्जन की तैयारी हो रही थी और अभी भी हमारे एक गणपति दर्शन बाकी थे। अब देखते हैं कि रील देखते हुए रिक्शे वाले भैया हमें जल्दी से वहां पहुंचा पाएंगे या नहीं, समय पर पहुंचेंगे या नहीं, ये सोच बस चली रही थी कि अचानक मेरी रास्ते पर बहुत सारी चीजें जो चल रही थी उन पर नजर पड़ी और मेरे मन में एक विचार आया कि इंडिया में जो ये उत्सव मनाए जाते हैं, जो सेलिब्रेशन होता है, वो आप में खुशी का ही माहौल नहीं पैदा करते बल्कि पैदा करते हैं बहुत सारा रोजगार। तो बेला चाओ की इस धुन के साथ हम पहुंच गए थे हमारी डेस्टिनेशन पर और वहां मिला हमें एक सरप्राइज। विसर्जन की तैयारी होते हैं। क्या करते हैं विसर्जन के पहले? सबसे पहले उनको कलश को हिलाते हैं, फिर बाटला को थोड़ा सा हिलाते हैं। विसर्जन के लिए जब हम जाते हैं तो वहाँ पे विसर्जन करने से पहले एक बार आरती होगी, उस आरती के लिए जो भी छोटा मोटा हमें सामान लेकर जाना वो करेंगे, विसर्जित करेंगे। फिर जब ये विसर्जित जहाँ पे होंगे वहाँ से उनकी थोड़ी सी मिट्टी हम वापस लेके आएंगे, फिर उस मिट्टी को घर पे अपने पौधे वाले डाल देंगे। बता
बाहर उधर जा। तो यहाँ जाने का प्लान बिल्कुल नहीं था, बट अभी अचानक से बन गया। आमतौर पर लोग इसी तरह से गणपति विसर्जन करते हैं, धूमधाम के साथ उन्हें विदा करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो इसके लिए करते हैं खास तैयारी। कर सकती हो, ये फूल लिया उसके अंदर लगा के तो हाथ में नहीं लगे जहाँ पे भी। अच्छा नहीं होता है ना। सो भैया, यहाँ आने का जो सबसे ज्यादा मजा है वो इतने सुंदर गणपति दर्शन के अलावा मुझे जो खाने को मिलता है वो। ग्यारह दिन के गणपति, 11 दिन का उपवास डाइट से। दिस इज कुणाल भाई गाना सुना रहे देखा? कैसे जिया जाए तुम बिन, सदियों सी लंबी सदियों से लंबे हुए दिन। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा के फिर जुड़ ना पाया। ओ लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा के फिर उड़ ना पाया। गिरता हुआ वो आसमां से आकर गिरा जमीन पर, आंखों में फिर भी बादल ही थे, वो कहता रहा मगर के अल्लाह के बंदे हंस दे। अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कर के आएगा। नेहा इज डूइंग द चिट। Bye to Gannu Baba and the family. Bye. आइए अब आपको दर्शन करवाते हैं उन गणपति जी का जिनका स्वागत किया था हमने शुरुआत में। ये गणपति जी की मूर्ति प्रतिरूप है मुंबई के सबसे लोकप्रिय गणपति पांडालों में से एक, लाल बागचा राजा का। हेलो संकल्प।
हेलो गणपति बप्पा। कल लालबाग गए थे तुम? हम लोग लालबाग गए थे और सुबह लौटे और रोरी लेके आए। लालबाग की है ये प्रॉपर सिंदूर लगा लालबाग का। गणपति जी का केक। खराब तबीयत में चारू ने बनाया दाल बाटी चूरमा। बनवाया अच्छा बनवाया। अच्छा आज महाराज जी आए मतलब गणेश जी के साथ। मुझे आज जो खाना बनाया उससे फिर नो कोई समझ में आएगा। ये खुशी की लहर दौड़ते हुए ये क्या है ना, ये राजस्थानियों का खाना है तो राजस्थानियों को बहुत अच्छे से समझ में आता है कि इसमें कितनी खुशी मिलती है। बाटी 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 खा लिया ऐसे चबाया नहीं जा रहा उससे। फर्स्ट टाइम खा रही है। कैसा लग रहा है? अंकल ने मुझे लालच दिया है शाम का कि रसमलाई है शाम को विसर्जन के लिए। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति गणपति बप्पा। वाह यार बच्चे ट्रेंड हो गए हैं। मतलब गणपति बप्पा में तो ट्रेंड है। गणेरी फिशी चॉकलेट आराम से दूर कर। सो बच्चों और दोस्तों के साथ बहुत अच्छा समय बिताने और बहुत सारी बातें करने के बाद हमने कर ली चारू के गणपति जी के विसर्जन की तैयारी। आज है सातवें दिन के गणपति का विसर्जन। माता जा की पार्वती पिता महादेव। मंगल मूर्ति मंगल मूर्ति। बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 गणपति की जय जयकार। 6 7 8 गणपति हमारे साथ। 9 10 11 12 गणपति है सबसे न्यारा। 19 20 इतना नहीं होता यार हमारे बीच। कौन है कौन है कौन है कौन है? गणपति विसर्जन का दिन बड़ा ही इमोशनल दिन होता है क्योंकि भक्त अपने भगवान को विदा कर रहे होते हैं और उन्हें इंतजार करना होता है अगले साल तक। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि इस उत्सव की शुरुआत कहां, कैसे और किसने की? I'm sure बहुत सारे लोग इसका जवाब जानते होंगे। सो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी जानकारी और विसर्जन से जुड़ी बहुत सारी चीजों के साथ। तब तक के लिए गणपति बप्पा मोरिया।